मोदी के खिलाफ कौन, विपक्ष है इस पर मौन, आपस में ही लड़ने में लगे हुए हैं लगातार। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे आत्मविश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ 2022 के सियासी मैदान में कूद गए हैं। उसी मैदान में कूदे हैं जहां शय और मात के इस खेल में सभी पूरी ताकत झोंक रहे हैं उन्हें हराने के लिए। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में आर पार की लड़ाई का रोड मैप तैयार हो गया है। आप इसे चार तस्वीरों से समझ सकते हैं। 15 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में होंगे। 16 जुलाई को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ में होगी। वहीं समाजवादी पार्टी में 2022 पर मंथन और चिंतन का दौर शुरू हो गया, तो पूर्वांचल के बाद अब ओवैसी पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी बिगुल फूंक सकते हैं। सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे की। गुरुवार को प्रधानमंत्री कई विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। तैयारी पूरी है। माना जा रहा है कि चुनावी साल में मोदी के दौरे का असर पूर्वांचल पर पड़ेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मिशन यूपी शुरू होने वाला है। इसी मिशन को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सियासी तूतूमय शुरू हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के माध्यम से, प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार के माध्यम से जो काम किया गया है, उस काम के बूते हमें पूरा भरोसा है कि हम 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। चाहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई भी देखे, चाहे कोई गठबंधन करे, कोई तिकड़म करे, कोई साजिश करे, वो सफल नहीं हो पाएंगे। हम भाजपा को हटा रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और हटा ही नहीं रहे हैं। 2022 में भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों के अंदर रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी पहुंच रहे हैं और 2022 का चुनाव उनके निगाह में जरूर होगा। पूर्वांचल ने 2017 में बीजेपी को भारी जीत दिलवाई थी, जब 164 में से 115 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे प्रियंका गांधी, या फिर असदुद्दीन ओवैसी, या फिर राजभर जैसे छोटे दल, सभी दलों की निगाह इस पूर्वांचल पर टिकी हुई है और सब के सब इस पूर्वांचल में बीजेपी को पछाड़ देना चाहते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार उत्तर प्रदेश में एक तरीके से ये अपनी चुनावी शंखनाद की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके सौगातों की फहरिस्त देखें तो 68 प्रोजेक्ट इस वक्त वाराणसी में वो उसका शिलान्यास या उद्घाटन करने जा रहे हैं। 2022 की सियासी लड़ाई में बीजेपी को चित करने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक, बीएसपी से लेकर ओवैसी और राजभर के गठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। पूर्वांचल के बाद अब ओवैसी पश्चिम में अपना होमवर्क करने पहुंच रहे हैं, यानी उत्तर प्रदेश की लड़ाई इस बार कई मोर्चों पर लड़ी जाएगी। अहम ये भी है कि 16 जुलाई को प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंच रही हैं। प्रियंका के आने से पहले सियासत भी शुरू हो गई। 16 तारीख तो आएंगी और निरंतर संगठन के लोगों से, पार्टी के लोगों से, नेताओं से सबसे मुलाकात करेंगी, और निश्चित रूप से उनके आने के बाद एक और उत्साह कार्यकर्ताओं में होगा, और मैं समझता हूं कि 2022 के चुनाव के लक्ष्य को हम बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ गया, अब सभी आएंगे, आने वालों की सूची आपको दिन प्रतिदिन बढ़ती नजर आएगी, तो लोगों का स्वागत है, लोग आए। लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई सफाया कर सकता है, भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश अगर कोई बना सकता है, तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस के प्लान पर सपा पानी फेर रही है, तो वहीं बीजेपी भी यूपी में प्रियंका पर नई भविष्यवाणी करने से पीछे नहीं रही। देखिए, 3-4 दिन का टूर नहीं है। अच्छा। प्रियंका जी लगातार है उत्तर प्रदेश, लंबा टूर है। मैं कह रहा हूँ तो लगातार है उत्तर प्रदेश में, आप ये टूर ना कहिए। वो उत्तर प्रदेश की निवासी है, उत्तर प्रदेश की बेटी है, उत्तर प्रदेश का विश्वास है, उत्तर प्रदेश की आस्था है। 3 दशक तो हो गए हैं, अब मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है कांग्रेस का, क्योंकि देश में भी नहीं है कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में तो 3 दशक से बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो इसलिए यहाँ पर आए, घूमें फिरें, जैसे वो लोग आते रहे हैं घूमने फिरने के लिए, वो तो पिकनिक मनाने आते हैं उत्तर प्रदेश में, और पिकनिक के लिए अच्छा अवसर है।
आए और पिकनिक मनाए, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जिस तरह से वो प्रयागराज और अयोध्या और सब जहां जा रही हैं, अब की जब प्रयागराज जाएं तो मेरा अपना मानना है कि दादाजी की कब्र पर भी जाएं, फिरोज जहांगीर जी जो उनके दादा हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, उनको भी जाकर याद कर लिया करें कभी कभी, तो अच्छा लगेगा। खाली एक ही तरफ की राजनीति ना करें। नए नए सियासी खिलाड़ी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में ताल ठोकने का दम भर रहे हैं। ओवैसी की एंट्री से चुनावी कमेंट्री में रोमांच बढ़ गया है, क्योंकि अखिलेश यादव अपने पत्ते खोल चुके हैं। कांग्रेस और बीएसपी को छोड़कर बीजेपी को हराने के लिए किसी भी पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। प्रियंका गांधी हो, अखिलेश यादव हो, या फिर असदुद्दीन ओवैसी, या फिर छोटे दल, सबों को लगता है कि अगर उन्होंने पूर्वांचल में बीजेपी को हरा दिया तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को भी वो हरा देंगे। और यही वजह है कि सभी दलों की नजर इस वक्त पूर्वांचल में लगी हुई है, और प्रधानमंत्री ने शायद इसे ही भांपते हुए एक तरीके से चुनाव अभियान की शुरुआत भी कर दी है, क्योंकि उनके पास सौगात के लिए पिटारे में बहुत कुछ है। कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।